To get the same video in English, please subscribe our new channel Career A+. हेलो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है नेट। नेट एग्जाम क्या होता है, ये किस पोस्ट के लिए होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम इंडिया में टॉप लेवल में से एक है। इस एग्जाम को आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेट देने के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल वालों के लिए मिनिमम 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब नेट एग्जाम को देने के लिए अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स ओनली फॉर जीआरएफ पोस्ट, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि नेट एग्जाम का सिलेबस क्या है। 2019 के सिलेबस में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ओल्ड सिलेबस जो था उसी में और टॉपिक ऐड भी कर दिए हैं। पहले बात करते हैं पेपर वन के सिलेबस की, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर टू का सिलेबस आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस होता है, तो आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसका पेपर आएगा। अब बात करते हैं नेट एग्जाम के पैटर्न की। 2019 में एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया था। ये पेपर दो पार्ट में होता है। पहले होता है पेपर वन, इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद पेपर टू होता है। अब चलिए बात करते हैं पेपर वन की। पहले पेपर वन में 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने होते थे, उसमें से आप 10 क्वेश्चंस स्किप कर सकते थे और टाइम ड्यूरेशन भी होता था 1 घंटे 15 मिनट का। बट अब पैटर्न चेंज हो गया है, अब 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सो पेपर वन टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं पेपर टू का पैटर्न क्या है। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे होता है, सो पेपर टू 200 मार्क्स का होगा। अब कुछ इस एग्जाम के इम्पोर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा ये कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और तीसरा ये कि इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स को देख लेते हैं। आपको मिनिमम 40 मार्क्स यानी 40% पेपर वन में लाने होंगे और पेपर टू में 80 मार्क्स यानी 40% उसमें भी लाने होंगे। और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पेपर वन में मिनिमम 35 मार्क्स यानी 35% और पेपर टू में 70 मार्क्स यानी 35% लाने होंगे। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है यानी जून और दिसंबर में। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाते तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स भी देख लेते हैं। अगर आप 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा ये कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देंगे तो आप इजी वे में क्वालिफाई कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर। ये क्लासेस आपको YouTube, Unacademy जैसी ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए। अगर कोई जान पहचान वाला या आपका दोस्त नेट एग्ज़ाम दे रहा है तो इस वीडियो को उससे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ ज़रूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। इसी वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप हमारे इंग्लिश वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।